कौन बनेगा करोड़पति का 11वां सीजन कमाल कर रहा है। जल्द ही केबीसी ऑफ एयर होने वाला है और शो ऑफ एयर हो इसके पहले केबीसी की सारी खबर आप देख सकते हैं घमासान पर। केबीसी में 19 नवंबर को अमिताभ बच्चन सीजन का 67वां एपिसोड लेकर हाजिर हुए। इससे पहले के एपिसोड में हरियाणा के रोहतक से प्रतीक कलकल आए थे, जिन्होंने बिग बी से बछड़े का नामकरण करवाया था। प्रतीक जल्द ही 3 लाइफलाइन का उपयोग कर शो से बाहर हो गए और अपने साथ 3,20,000 ही ले जा पाए। प्रतीक के जाने के बाद शो में एंट्री हुई दिल्ली के जितेंद्र सिंह की। जितेंद्र को खेल में बने रहने की जितनी जल्दी थी उतनी ही जल्दी वो शो से बाहर भी हो गए और अपने साथ 3,20,000 ही ले जा सके। इसके बाद हॉट सीट पर अमिताभ की भाषा में कहें तो एक मोहतरमा की एंट्री हुई जो थी प्रेरणा, लेकिन बिना किसी सवाल का सामना किए हुए ही समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है। प्रेरणा के बाद शो में एक और कंटेस्टेंट आने वाली है जो मज़ेदार नज़र आ रही है। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से इस कंटेस्टेंट का प्रोमो शेयर किया है। प्रोमो में जब अमिताभ महिला से पूछते हैं कि उन्हें शादी करने के लिए कैसा दुल्हा चाहिए, तब महिला कहती है कि शाहरुख खान, वो भी DDLJ वाले। महिला आगे बताती हैं कि उनकी मम्मी को शाहरुख खान बहुत पसंद है और उनका नाम गौरी है, इसलिए वो शाहरुख को अपना पति कहती हैं। प्रोमो में महिला और अमिताभ की इतनी बातें दिखाई जा रही हैं। अब देखना ये है कि महिला शो में कहां तक पहुंचने वाली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।